लोकसभा में विपक्ष बार बार पुणे के मालेगांव में आई आपदा पर चर्चा करवाने की मांग कर रहा था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर पहले ही बयान दे चुके थे, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि इस पर और चर्चा की जाए। संसदीय कार्य मंत्री ने नियम से चर्चा करवाने की बात भी मान ली। इसके बाद भी कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा की मांग पर अड़े रहे। ज्योतिरादित्य जी, ऐसे नहीं होता है। नहीं, आपके आपका लिए ये जो आपके पार्टी के लीडर बोल चुके हैं ना, हर समय आप मुझे सजेशन देना चाहे तो स्पीकर चुन लीजिए, दूसरा और आ जाइए यहाँ पर। वही आरजेडी सांसद पप्पू यादव यूपीएससी मुद्दे पर सरकार से बयान की मांग कर रहे थे। बोलने का मौका न दिए जाने पर वो वेल की तरफ बढ़े और हाथ में आमे अखबार को स्पीकर की ओर उछाल दिया। कुछ कागज स्पीकर की टेबल पर भी गिरे। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर स्पीकर ने उन्हें फटकार लगाई। इसके बाद पप्पू यादव ने स्पीकर से सदन में अपने बर्ताव पर माफी मांगी।